लेके उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बीएससी सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका आज का सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का। ये वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स स्पेशली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का ये बहुत अच्छा वीडियो बीएससी सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल 0.1 नॉर्मल HCl के साथ अगर हम X नॉर्मल NaOH प्लस Na2CO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों का मिक्सचर X नॉर्मल लेते हैं और उसका टाइट्रेशन हम 0.1 नॉर्मल HCl के साथ करते हैं अगर, तो 0.1 नॉर्मल HCl की मदद से उसके जरिए हम X नॉर्मल NaOH एंड Na2CO3 की हम स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी एंड अमाउंट, परसेंटेज और सारी जानकारी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसका एम टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH एंड Na2CO3 सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन ऑफ X नॉर्मल NaOH प्लस Na2CO3 बाय 0.1 नॉर्मल HCl, यानी कि ये दोनों बेस का जो मिक्सचर है X नॉर्मल उसका हम 0.1 नॉर्मल HCl के जरिए ये उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने जा रहे हैं एंड उसके आधार पर हम कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इन द गिवन सॉल्यूशन। दोस्तों, उसका एम, रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर आई वुड लाइक टू डिस्कस। एम तो मैंने बोल दिया, तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। 0.1 नॉर्मल HCl की ज़रूरत पड़ेगी, X नॉर्मल ये जो बेस का मिश्रण है NaOH प्लस Na2CO3 उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देन इंडिकेटर हमें फिनोलथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रोसीजर इस तरह से है, टेक 10 ml, हमें एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 10 ml X नॉर्मल ये दोनों का मिक्सचर लेना है। देन उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स फिनोलथिलीन डालना है, क्योंकि ये बेस है दोनों, तो बेस जो है उसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप्स फिनोलथिलीन डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। और उसके तुरंत बाद हम टाइट्रेशन करेंगे विथ 0.1 नॉर्मल HCl। कहाँ तक टाइट्रेशन करेंगे, ड्रॉप वाइज HCl हम उसके अंदर एडिशन करेंगे, कहाँ तक, पिंक कलर टू कलर लेस, यानी कि ये पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा तब तक। दोस्तों, जब ये पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा उस वक़्त पे जो एंड पॉइंट है उसका ब्यूरेट रेडिंग दैट इज PML होगा, उसके तुरंत बाद हमें वहाँ से ही कंटिन्यू करना है। ये PML जो ब्यूरेट का रेडिंग है वहाँ से कंटिन्यू करना है और उस टाइम पे हमें फ्लास्क के अंदर जब कलरलेस सॉल्यूशन जो है उसमें अगेन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर डालना है। तो आपको अब जो है मिथाइल ऑरेंज 2-3 ड्रॉप हमें उसमें डालना है और वहाँ से रीडिंग कंटिन्यू करना है। कहाँ तक कंटिन्यू करना है, टिल येलो कलर। जैसे हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो तुरंत ये पिंक कलर का हो जाएगा और जब टाइट्रेशन शुरू करेंगे तो एट द एंड पॉइंट इट विल टर्न्स येलो टू ऑरेंज कलर। उस टाइम हम एम बोलेंगे, जो ब्यूरेट का रीडिंग होगा उसको हम एम बोलेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल हमें 2-3 बार रिपीट भी करना है। दोस्तों, बहुत सिंपल सा एक प्रैक्टिकल है। आज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये पूरा कंटेंट समझाने का प्रयास करूँगा, उसके तुरंत बाद लेबोरेटरी में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ये प्रैक्टिकल आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेरा ये थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये थी रिक्वायरमेंट, एम, रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर। अब उसके आगे कैलकुलेशन की थोड़ी बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये फ्लास्क जो है उसमें रिएक्शन क्या होता है, तो
जैसे हम HCl डालेंगे तो फ्लास्क के अंदर NaOH एंड Na2CO3 तो ऑलरेडी है, जब उसकी HCl के साथ रिएक्शन होगी तो उसमें से 2NaCl बनेगा, H2 बनेगा एंड Na2CO3 में से NaHCO3 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब फिनोलफ्थेलिन हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स तो HCl के साथ टाइट्रेशन करने से NaOH का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और NaOH के साथ आधा Na2CO3 का भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि फिनोलफ्थेलिन के साथ हम टाइट्रेशन करेंगे फिनोलफ्थेलिन इंडिकेटर डाल के, ठीक है, तो हमें रीडिंग जो पी मिलेगा वो NaOH का पूरा और 1/2 यानी कि आधा Na2CO3 का, जिसको हम फर्स्ट रीडिंग बोलेंगे विथ फिनोलफ्थेलिन। तो वहाँ से अगर हम मिथाइल ऑरेंज डाल के कंटिन्यू करेंगे तो ये कंटिन्यू जो है उसको हम M बोलेंगे, तो वो M सिर्फ आधा जो बचा है उसमें से Na2CO3 उसका सेकंड रीडिंग विथ मिथाइल ऑरेंज मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3, दोस्तों Na2CO3 के लिए कितना HCl न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड करता है वो हम इस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि M जो है वो 1/2 Na2CO3 का है, इसका मतलब ये आधा Na2CO3 के लिए M मिलता है। तो जब हम 2M लेंगे तो पूरा Na2CO3 न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए 0.1 नॉर्मल HCl की जितनी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जाएगी। अब द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl हमें चाहिए या फिर ब्यूरेट से कितना HCl की रिक्वायरमेंट है, तो वो डिटरमाइन करने के लिए P-M करना पड़ेगा, क्योंकि P जो रीडिंग मिला उसमें पूरा NaOH का तो था ही लेकिन उसमें आधा Na2CO3 का था, इसलिए P-M करेंगे तो क्लियर हमें NaOH के लिए जितना रिक्वायर्ड करता है 0.1 नॉर्मल HCl उतना ml मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें ब्यूरेट में लेना होगा एक्स नॉर्मल ए बेस का जो मिक्सर है, और पिपेट के अंदर हम लेंगे ये, ब्यूरेट में लेंगे 0.1 नॉर्मल HCl, तो ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल HCl डालेंगे 0 मार्क तक, फिर पिपेट की मदद से हम कॉनिकल फ्लास्क में ये बेस का मिक्सर लेंगे, जबकि कलर चेंज पी जो पी रीडिंग मिलेगा सबसे पहले वो हमें पिंक कलर टू कलरलेस मिलेगा जो कि फिनोलफ्थेलिन के साथ मिलेगा। देन हम डालेंगे मिथाइल ऑरेंज तो उसको हम एम बोलेंगे, तो एम विल बी येलो टू ऑरेंज कलर, जब ऑरेंज कलर आ जाएगा तब जो फ्लास्क में सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये थी थोड़ी कैलकुलेशन की बात है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अब हम कैलकुलेशन के और आगे जाए तो नॉर्मालिटी ऑफ NaOH हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा इक्वेशन जो कि ये N1V1 फॉर एसिड है, N2V2 फॉर बेस है, N1 एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मालिटी है, V1 HCl का वॉल्यूम है ना, तो उसकी नॉर्मालिटी तो हमें पता है कि 0.1 नॉर्मल HCl लिया है, उसका V1 मिलेगा हमें P-M NaOH का, और दूसरी ओर बेस, तो बेस का N2V2 हमें NaOH का डिटरमाइन करना है, और फ्लास्क में हमने लिया कितना है 10 ml, सो N2 इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल इंटू P-M अपॉन 10, ये 10 जो है उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इस तरह से हमें N2 यहाँ X नॉर्मल NaOH मिलने वाला है जितना रीडिंग आए P-M उसके हिसाब से। जहाँ पर हमें ये X नॉर्मलिटी मिलती है NaOH की उसका उपयोग हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ NaOH यानी कि ग्राम प्रति लीटर उसका कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH यानी कि उसका तुल्य भार जिसको हम हिंदी या गुजराती में बोलते हैं, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इनटू नॉर्मलिटी
इक्विवेलेंट वेट NaOH का 40 है इनटू एक्स नॉर्मल, उसकी जो नॉर्मलिटी यहाँ पर मिलेगी वो हमें यहाँ लिखनी है। और ये जो तीसरा वाला है अमाउंट ऑफ NaOH इन 100 ml, 100 ml डाइल्यूशन जो हमने बनाया है उसमें NaOH का कितना अमाउंट है, तो वो मिलेगा हमें 40 इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इंटू एक्स नॉर्मल उसकी नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय 10, तो ये X1 मिलेगा हमें इन 100 ml डाइल्यूशन में NaOH का अमाउंट। उसके तुरंत बाद हमें कैलकुलेशन करनी है नॉर्मलिटी ऑफ Na2CO3, Na2CO3 की स्ट्रेंथ एंड अमाउंट, ठीक है। तो बिल्कुल उसी इक्वेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे Na2CO3 के लिए। तो यहाँ पर N1 है HCl की नॉर्मलिटी 0.1, V1 जो हमें M मिला उसका हम डबल करेंगे 2M, तो प्योरली Na2CO3 के न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ HCl मिलेगा, ठीक है, वो रीडिंग हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ N2 Na2CO3 की नॉर्मलिटी ये 10 इसके डिवाइड में ले लेंगे, तो N2 इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल HCl इंटू 2M अपॉन 10, दैट इज Y नॉर्मल Na2CO3। तो ये जो Na2CO3 की नॉर्मलिटी है उसका उपयोग करेंगे हम ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इंटू ये नॉर्मलिटी जो मिली ये यहाँ पर करेंगे, तो हमें यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ये 53 जो है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 है। देन अमाउंट ऑफ Na2CO3 इन 100 ml, तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 दैट इज 53 इंटू यहाँ पर उसकी नॉर्मलिटी जो मिलती है वो हम यहाँ लेंगे डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर X2 लिखना है आपको, मैंने गलती से X1 लिखा है, इट इज X2 ग्राम। सो X1 ग्राम दैट इज द अमाउंट ऑफ NaOH, X2 ग्राम दैट इज द अमाउंट ऑफ Na2CO3। अब आखिरी गिनती हमें करनी है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaOH X1 अपॉन X1 प्लस X2, X1 NaOH का अमाउंट है 100 ml में, X2 Na2CO3 का अमाउंट है 100 ml में, तो X1 अपॉन X1 प्लस X2 इंटू 100 करेंगे तो परसेंट ऑफ NaOH मिल जाएगा। इसी तरह से हम X2 अपॉन X1 प्लस X2 इंटू 100 करेंगे तो हमें Na2CO3 का परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे इक्वेशन थे जिसके जरिए हम NaOH एंड Na2CO3 की नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, इक्विवेलेंट वेट एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके तुरंत बाद मैं आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन के लिए ये प्रैक्टिकल आपके सामने लेबोरेटरी में करके दिखाना चाहता हूँ, तो आइए मेरे साथ लेबोरेटरी में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये प्रैक्टिकल के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट, ये बेस का मिक्सर है, 0.1 नॉर्मल HCl है, फिनोल्फथेलिन है, मिथाइल ऑरेंज मैंने लिया है। ये पिपेट के जरिए हमें 10 ml ऑफ बेस का मिक्सर जो है NaOH प्लस Na2CO3 इसको फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में हम लेंगे। तो ये 10 ml हमने ले लिया। तुरंत बाद हम फिनोल्फथेलिन 2-3 ड्रॉप उसमें फिनोल्फथेलिन डालेंगे तो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया, देखिए आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब इसको टाइट्रेशन करेंगे, शुरू करेंगे हम 0.1 नॉर्मल HCl फ्रॉम ब्यूरेट। धीरे धीरे ये पिंक कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, दैट विल बी द एंड पॉइंट जिसको हम पी बोलेंगे। तो पी जो रीडिंग मिलेगा, ये कलर डिसअपीयर हो जाएगा, उसके बाद जो हमें पी मिलेगा वो कितना मिलता है देखते हैं। अब सिंगल ड्रॉप डालने से कलर चेंज हो जाएगा, देखिए ये डिसअपीयर हो गया। अब जो ये रीडिंग है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ब्यूरेट का रीडिंग कितना मिला हमें, 13.2 ml दिख रहा है। तो ये 13.2 ml जो है वो पी, जिसको हम बोलेंगे पी, जो कि मिला है हमें कम्प्लीटली NaOH एंड आधा Na2CO3 का न्यूट्रलाइजेशन जो हो गया फ्लास्क के अंदर उसके लिए हमें मिला। अब उसमें 2-3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज डाले तो कलर येलो हो गया,
सॉल्यूशन बिकम्स येलो कलर्ड। अब वहीं से हम 13.2 जो हमें मिला था पी, वहीं से हमने कंटिन्यू कर दिया रीडिंग और टाइट्रेशन, तो देखते हैं एंड पॉइंट कहाँ मिलता है और एंड पॉइंट येलो टू ऑरेंज कलर मिलता है कि नहीं। दोस्तों देखिए ऑरेंज कलर का ये सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब जो आधा Na2CO3 बचा था वो भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया। एग्जैक्टली 20.0 हमें रीडिंग M मिला। तो ये दोनों हमें P मिला 13.2 एंड M मिला एग्जैक्टली 20। तो M क्या है, P क्या है, किस तरह से हमें मिला, वो सारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों अब चलते हैं उसके कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों P हमें 13.2 मिला, इसका मतलब ये 13.2 जो है वो पूरा NaOH को न्यूट्रल कर दिया और उसमें आधा Na2CO3 भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब हमें इसमें से क्या करना होगा, और M मिला हमें 20 मिला, तो 20 में से ये जो 13.2 माइनस कर दिया, इसका मतलब 13.2 से हमने चालू किया, शुरू कंटिन्यू कर दिया था, तो 13.2 से लेके 20 तक यानी कि 6.8 जो हमें मिला ये कम्प्लीटली आधा 1/2 Na2CO3 के लिए मिला। तो 6.8 फॉर आधा Na2CO3, इसका मतलब 6.8 इंटू 2 करेंगे तो ये 13.6 यानी कि 13.6 ml जो मिला 2m, क्योंकि ये m, अगर हम इसको 6.8 को m बोलते हैं तो 2m करेंगे तो वो जो रीडिंग आएगा 13.6 वो इट इज़ फॉर Na2CO3 कम्प्लीटली। सो 13.6 ml का रीडिंग कम्प्लीटली Na2CO3 को न्यूट्रल करने के लिए 0.1 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड करता है। ठीक उसी तरह से द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, तो NaOH तो जो P रीडिंग था 13.2, ठीक है, उसमें से हमने ये M जो था आधा Na2CO3 का वो माइनस कर दिया, तो 13.2 में से ये 1/2 Na2CO3 माइनस कर दिया, देन हमें मिला 6.4 ml। तो ये 6.4 ml जो मिला वो कम्प्लीटली NaOH को न्यूट्रल करने के लिए रिक्वायर्ड 0.1 नॉर्मल HCl का वॉल्यूम हमें मिला। तो ये दोनों फिगर के जरिए हम उसके कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो उसमें P माइनस M जो हमें मिला दैट इज 6.4। अगर हम 6.4 इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें NaOH की नॉर्मलिटी मिलती है 0.064 नॉर्मल NaOH। देन स्ट्रेंथ ऑफ NaOH, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH 40 है और हमें नॉर्मलिटी मिली 0.064 नॉर्मल। इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ NaOH ग्राम प्रति लीटर में मिला हमें 2.56 फॉर NaOH। देन अमाउंट ऑफ NaOH इन 100 ml, यानी कि हमने जो डाइल्यूशन किया था 100 ml का, उसके अंदर NaOH कितना है, ठीक है, तो 40 इंटू एक्स नॉर्मल मिला हमें 0.064 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, क्योंकि ये तो ग्राम प्रति लीटर है, तो हम 10 उसका डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 0.256 ग्राम, यानी कि जिसको हम x1 बोलेंगे। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ NaOH इन 100 ml, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें नॉर्मलिटी ऑफ NaOH मिल गई, स्ट्रेंथ ऑफ NaOH इन ग्राम प्रति लीटर मिल गया एंड अमाउंट ऑफ NaOH इन 100 ml हमें मिल गया। अब Na2CO3 के लिए हम थोड़ी गिनती करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए नॉर्मलिटी ऑफ Na2CO3 विल बी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ पर P माइनस M हमें लेना होगा 0.1 HCl और P माइनस M करेंगे, क्योंकि Na2CO3 के लिए P माइनस M, ठीक है। तो यहाँ पर 13.2 था तो 6.4 हमें NaOH के लिए मिला, लेकिन Na2CO3 के लिए हमें यहाँ पर 2m लेना होगा,
ये पी माइनस एम नहीं, लेकिन टू एम, यहाँ पर गलती से मैंने लिखा है, लेकिन टू एम लेना होगा आपको दोस्तों। ये करेक्शन कर दीजिएगा, नॉट पी माइनस एम बट इट इज़ टू एम, क्योंकि ये एन ए टू सी ओ थ्री के लिए है। तो यहाँ पर टू एम करेंगे, पॉइंट वन इंटू टू एम, ठीक है, इज इक्वल टू एन टू इंटू टेन। सो एन टू विल बी पॉइंट वन इंटू टू एम अपॉन टेन, पॉइंट वन इंटू 13.6, क्योंकि एन ए टू सी ओ थ्री टू एम, सिक्स पॉइंट एम था एम, और 6.8 इंटू टू करेंगे तो टू एम का वैल्यू हमें मिलेगा 13.6। तो उस हिसाब से हमें एन टू यानी कि एन ए टू सी ओ थ्री की कंसनट्रेशन इन नॉर्मलिटी हमें मिलेगी 0.136 नॉर्मल एन ए टू सी ओ थ्री। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री। दोस्तों ये मैंने मिस्टेक कर दी है बहुत बड़ी, यहाँ एन ए ओएच नहीं लेकिन एन ए टू सी ओ थ्री, ओके। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री इन ग्राम प्रति लीटर, तो एन ए टू सी ओ थ्री का इक्विवेलेंट वेट है 53 इंटू 0.136 नॉर्मल, 7.208 ग्राम प्रति लीटर हमें मिलेगा। किसके लिए? एन ए टू सी ओ थ्री के लिए। आपको यहाँ एन ए ओएच की जगह एन ए टू सी ओ थ्री लिखना है, यहाँ पर भी एन ए ओएच की जगह एन ए टू सी ओ थ्री लिखना है। अब दोस्तों अमाउंट ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री इन 100 ml, दैट इज 53 इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री। देन एक्स नॉर्मल, एक्स नॉर्मल यानी कि 0.136 नॉर्मल, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10, तो हमें फिगर मिलेगी 0.720 ग्राम एक्स टू की वैल्यू मिलेगी, यानी कि अमाउंट ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री इन 100 ml, दैट इज 0.720 ग्राम। तो दोस्तों इस तरह से हमें एन ए ओ एच एंड एन ए टू सी ओ थ्री दोनों का जो डेटा है पूरा हमें मिल गया। अब हम परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ए ओ एच एंड एन ए टू सी ओ थ्री, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ए ओ एच, दैट इज एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू इन टू 100, ये करना होगा। X1 NaOH का अमाउंट इन 100 ml है, X2 Na2CO3 का अमाउंट इन 100 ml है। तो X1 फॉर NaOH, अमाउंट ऑफ NaOH इन 100 ml, दैट इज 0.256 ग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय X1 0.256 प्लस 0.720। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें 26.3% ऑफ एन ए ओ एच मिलता है। ठीक उसी तरह हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री कैलकुलेट करें तो उसको हमें इक्वेशन के जरिए लेना होगा, एक्स टू अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू 100। एक्स टू की वैल्यू हमें मिली 0.720 ग्राम अपॉन 0.256 प्लस 0.720 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 73.8% एन ए टू सी ओ थ्री। इसका मतलब है हमें 26.3% एन ए ओ एच मिला और 73.8% ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री मिला। तो दोस्तों इस तरह से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, पूरा लाइव प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में मैंने आपको आपके सामने ही करके दिखाया है, और उस प्रैक्टिकल के रीडिंग के हिसाब से मैंने पूरी कैलकुलेशन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं दोस्तों बीएससी सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स के लिए वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन का ये पॉइंट एचसीएल वर्सेस एस बेस मिक्सर एनएओएच प्लस एनए2सीओ3 का जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन था वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट कर जरिए भी, आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर लिखिए। आशा करता हूं कि ये लाइव वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़रूर उसको बहुत 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं, चैनल पे जाके कमेंट्स लिखिए, आपकी कोई डिमांड है तो वो भी मुझे वहाँ पर आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।